माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बांदा वापसी पर मंडल कारागार में आईजी के साथ जिला प्रशासन का निरीक्षण। पंजाब सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के बीच रस्साकशी में विराम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माफिया डॉन विधायक मुख्तार अंसारी को आखिरकार उत्तर प्रदेश की बांदा मंडल कारागार वापसी की तारीख 8 अप्रैल तय हो गई। इसी क्रम में आज रविवार 4 अप्रैल को चित्रकूट मंडल आईजी जोन के सत्यनारायण के साथ जिलाधिकारी बांदा आनंद सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन डी शर्मा संयुक्त टीम ने मंडल कारागार बांदा का सघन निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जांच पड़ताल की, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और मंडल कारागार स्टाफ को कड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी तरह पुख्ता इंतजाम के लिए हर समय तैयार रहने का आदेश दिया। क्योंकि बड़ी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी को कानूनी प्रक्रिया की जंग में जीत हासिल कर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के कारण पंजाब सरकार के काफी नानुकुर के बाद उत्तर प्रदेश की बांदा मंडल कारागार में लाने के लिए सफलता प्राप्त कर पा रही है, जिसको 8 अप्रैल तक बांदा जेल में पहुंचने के लिए पंजाब सरकार के मुख्य सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को लिखी गए पत्र से स्पष्ट हो रहा है कि माफिया डॉन विधायक मुख्तार अंसारी दो प्रदेश सरकारों के लिए क्यों इतना महत्व रखता है। काफी समय तक मुख्तार अंसारी से पंजाब सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार में हलचल मचा रखी है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए आज रविवार को चित्रकूट मंडल के आईजी के सत्यनारायण के साथ जिलाधिकारी बांदा, पुलिस अधीक्षक व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने औचक निरीक्षण करते हुए मंडल कारागार प्रशासन को कड़े दिशा निर्देश जारी किए।